चलो मैं अपने काम पे जाती हूँ, तुम लोग जब तक अपना काम कर लो। पर तुम जा कहाँ रही हो? क्यों, वापस घर नहीं जाना है क्या? वापसी की सवारी का बंदोबस्त करने के लिए जा रही हूँ। कहाँ पे? कहाँ क्या, वो डूब रही है, नजर नहीं आ रही क्या? चल यार। अरे सुनो, अपने फोन तो दे जाओ, पानी एक। नाम हिना, वल्दियत नामालूम, कौमियत पाकिस्तानी, पेशा दिल फेंक नौजवानों को चूना लगाना। फरा, वल्दियत नामालूम, कौमियत पाकिस्तानी और पेशा कार लिफ्टिंग। यह है मरियम, वल्दियत नामालूम, कौमियत तो पाकिस्तानी है और पेशा लोगों की जेबें काटना। क्या हुआ? क्या हुआ क्या मतलब है? आपकी दोस्त ने कहा कि आप डूब रहे हो। क्या हो गया, तबीयत तो ठीक है, कौन सी दोस्त? मेरी तो कोई दोस्त नहीं है, फदूर में अकेली लड़की देखी नहीं, फौरन चले आए छेड़ने के लिए। उड़ वो सामान लेके भाग रही है हमारा। जमशेद, आखिर ये लड़कियां हैं कौन जिन्होंने इस शहर की नाक में दम कर रखा है? 2 माह हुए हैं मुझे इस थाने में तैनात हुए और ये उनके खिलाफ 5वां मुकदमा है जो आज दर्ज हुआ है। सर आपको तो अभी सिर्फ 2 माह हुए हैं, पिछले 5 सालों से लड़कियों के इस गिरोह ने लोगों को अपनी उंगलियों पर नचा के रखा हुआ है। मुझे उनके कारनामे ना गिनवाओ, बल्कि ये बताओ कि ये हैं कौन, कहां से आए हैं, इनका पता ठिकाना क्या है? सर एक का नाम इनमें से फरा है, दूसरी का मरियम और तीसरी का हिना है। तीनों एक यतीम खाने में पली बड़ी है। अब कहां रहती हैं इसका खोज हम नहीं लगा सके, 5 सालों में सिर्फ इनका नाम ही मालूम कर सके। अच्छा, एक काम करो जमशेद। बोलिए सर। ये चोरी का माल जिसमें मोबाइल फोन, पर्स, तलाई जेवरात और दीगर अशिया शामिल है, ये कहीं ना कहीं तो बेचती होंगी। यकीनन बेचती होंगी सर। तो पता लगाओ कि इस शहर में वो कौन कौन सी जगहें हैं जहां चोरी का माल खरीदा जाता है। ठीक है सर, मैं आज ही से इस पे काम शुरू कर देता हूँ, बल्कि मेरे 2-4 जानने वाले हैं जो चोरी का माल खरीदते थे। अब भी खरीदते होंगे जमशेद, बल्कि पूछ गछ की इब्तदा उन्हीं लोगों से करो जो तुम्हारे जानने वाले हैं। राइट सर। एक तो आज समंदर के पानी ने हालत खराब कर दी, ऊपर से ये कंगलों के पर्स, इतनी मेहनत का ये फल मिल रहा है, चिल्लर। वाह, ये तो किसी अमीर बाप के बेटे का लग रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ये चिल्लर तुम रख ले। अरे वाह। है ना, जाके देख दरवाजे पे कौन है, जल्दी से माल छुपा ला मुझे दो। अरे वो पंसारी आया है। इस नामुराद को हमेशा कैसे पता चल जाता है, जब भी हम कोई बड़ा हाथ मारते हैं। अच्छी नस्ल का है, सूंघ के पता लगा लेता है। इससे पहले कि डेढ़ होशियारी करे, है ना, तुम मार्केट फोन करो और इन मोबाइल से कीमत मालूम करो।
ओ पंसारी, अपनी नजर इस माल पर रख, उस माल पर नहीं। अरे तुझे गलतफहमी हुई है, मैं तो इस माल को जांच रहा था। बात तो 16 आने दुरुस्त है ना की। चल कीमत लगा माल की। इस माल के मैं तुझे 25,000 रुपए दूंगा। फंसाई फिर उस शियारी, तुझे क्या लगता है हम पर इतनी बुरी घड़ी आ गई है कि हम ये चोरी का माल तुझे इतने सस्ते में दे देंगे? इनमें से एक एक मोबाइल की कीमत मार्केट में 25,000 से कम की नहीं है। चल तेरे लिए ये 1,00,000 का माल 40,000। सौदा मंजूर है तो मुंह खोल, वरना दरवाजा खुला हुआ है, जा सकता है। है ना, सामान उठा ले। अरे नहीं, 40 में डन हो 40 में। या अल्लाह खैर। पंसारी तू निकलने वाली कर, करीब में ही धमाका हुआ है, पुलिस चौकन्ना हो गई होगी, जगह जगह नाके लग गए होंगे। निकल। निकलता हूँ। हिना गेट बंद कर। हाँ भाई, बहुत खूब मेरे शेर, बहुत खूब। माशाल्लाह, जिस महारत से तूने ये टारगेट हिट किया है वो तारीफ के काबिल है। अच्छा ये बताओ कि ये आइडिया तुझे मिला कहाँ से? आजकल एक गैर मुल्क की फिल्म सिनेमा घरों में बड़ी कामयाबी से दिखाई जा रही है, बस वहीं से ये आइडिया मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया। तो गोया इन गैर मुल्की फिल्मों से फायदा उठाया जा सकता है? बहुत ज्यादा। अच्छा टाइगर, तुम ऐसा करो कि 2-4 दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, इसके बाद तुमसे इससे बड़ा टारगेट हिट कराना है, और जब तक मैं ना कहूं तुम बाहर मत निकलना। देखो फरा, आजकल हाईवे पर पुलिस बहुत चौकस हो चुकी है, इसी वजह से गाड़ी का शहर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। थोड़ी आसानी हो जाने दो, मैं गाड़ी ठिकाने लगा दूंगा, बस थोड़े दिनों की बात है। देख चंगेजी, ये आसानी वसानी मुझे मत बता, अपनी जान हथेली पे रख के गाड़ी को चाबी लगाती हूँ। हाँ, अब अगर तुझे गाड़ी पार करने में मुश्किल पेश आ रही है तो बता दे, रहीम दादा तैयार खड़ा है रकम अदा करने के लिए। आज ही उसने मुझे 2014 की 1300 cc का ऑर्डर दिया है। और मजे की बात सुन चंगेजी, अभी उसी मॉडल की गाड़ी को मैं एक ऐसी जगह पे पार्क हुए देख कर आ रही हूँ जहाँ से कोई भी टुच्चा कार लिफ्टर गाड़ी को बहुत आसानी से उड़ा सकता है। अच्छा एक काम करती हूँ, कल छोड़कर मैं परसों आती हूँ, पेमेंट तैयार रखना। आओ जमशेद बैठो। क्या बात है सर, कोई खास लेटर है जो नगौर से पढ़ गया? हाँ जमशेद, बहुत खास लेटर है, बड़ी सख्त हिदायत जारी की है वजारत दाखिला ने पुलिस डिपार्टमेंट को। जमशेद ये जो ताज़ा फिल्म लगी है गैर मुल्की, ये तुमने देखी है? नहीं सर, देखी तो नहीं है, लेकिन सुना है अपने मुल्क को इसमें बहुत बुरा भला कहा गया। कल जो शहर में धमाका हुआ है वो धमाका बिल्कुल उसी तरीके से किया गया है जिस तरीके से इस फिल्म में दिखाया गया, लिहाजा हमें हाई अलर्ट रहने के अहकामात जारी किए गए इस लेटर के जरिए, क्योंकि शहर में मजीद इस किस्म के धमाके हो सकते हैं।
सर मैं तो कहता हूँ ये मंत्र पढ़ने वाले तांत्रियों से एक दफा हमें जंग कर ही लेनी चाहिए। अबे वो नाचने गाने वाली कौम है, मिर्ची लगने पर सिर्फ नाच सकते हैं बस, जंग करना उनके बस का काम नहीं है। वो तो जंग को भी सात सुरों का गाना बजाना समझते हैं, जबकि जंग करना जोर आजमाई का काम होता है। तुम बताओ जमशेद, वो कुछ पता चला उन लड़कियों के बारे में? जी सर, वो मोबाइल मार्केट से एक फ़ोन वाले का पता चला है जो चोरी का माल खरीदता था। फिलहाल तो आज उसकी दुकान बंद थी, कल छापा मारूंगा। ठीक है, आओ जरा अपने बंदों को देखते हैं कि आज कहाँ कहाँ नाके लगाए हुए हैं। जी सर, आओ। पहले हम शॉपिंग करेंगे, फिर डिनर करेंगे, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। चलो। चलो, ये मुर्गा तो अपने घर ही आ रहा है, चाहे मैं लाऊं या है ना, माल तो हमारे घर में आ रहा है। वैसे ये गाड़ी भी बुरी नहीं है। क्यों बेबन सारी, तुझे किसने बुलाया यहाँ पर जो तुम उठा के चला आया? अरे नाराज क्यों होती हो, वो तो मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुम तीनों को होशियार करता चलूं, कुछ दिनों के लिए कार्रवाइयाँ बंद कर दो। क्यों बंद कर दे? अरे अकल की दुश्मनों, लोगों की जेबों के बजाय टीवी और अखबार पर भी नजर रखा करो। दहशतगर्दों ने शहर में बहुत बड़ी दहशतगर्दी का मनसूबा बनाया है और कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो गंदम के साथ गेहूं भी पिस जाए। अब तो तुम बैठने का भी नहीं बोलोगी। हो गया, चल अब जा। देखो है ना, या तो तुम वाकई बहुत भोली हो या भोलेपन की एक्टिंग कर रही हो। देखो आमिर, तुम कुछ भी समझो लेकिन मैं हरगिज उन लड़कियों में से नहीं हूँ तो दो चार दिनों में खुद को। जरूरी तो नहीं जो इंसान को अच्छा लगे उसे पाने के लिए वक्त जाया करे। लेकिन आमिर जरूरी तो ये भी नहीं एक दिन सर के जाने बगैर खुद को अपनाने का फैसला कर लिया जाए। हिना, मैं पहले ही बता चुका हूँ तुम्हें कि मेरी अम्मी को रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब चाहे जो भी हो शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे करूँगा। चलो, शॉपिंग बहुत हो गई है, खाना भी खा लिया। आज हिना कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई?
मुझे तो लगता है आज वो अपना गेम पूरा कर कर ही वापस आएगी। कोई बड़ा मुर्गा हाथ लग गया होगा उसके, जब भी तो रह गई वरना वो एक काम चोर। हाँ लगता तो कुछ ऐसी है, और वैसे भी है भी बहुत तेज है ना। ठीक है, मैं आज ही घर वालों से मिलकर तुम्हारे घर में रिश्ते की बात करता हूँ। आज नहीं आमिर, तुम कल सुबह आ जाना, ताकि पापा की गैर मौजूदगी में तुम मामा को तसल्ली से कन्विंस कर सको। चलो ये भी ठीक है, फिर मैं अम्मी से बात करता हूँ, तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। तुम एक काम करो, गाड़ी यहीं रोक दो, मैं खुद घर चली जाऊंगी। अरे हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें यहाँ उतार दूंगा तो तुम्हारे घर कैसे देखूंगा भाई। सुबह अम्मी को लेके तुम्हारे घर भी तो आना है। पता नहीं आज किसका बंगला दिखाती है। चलो बताओ गली कहाँ है आगे से? आगे से राइट। याद रख, अगर ये बात झूठ हुई तो झूठों का इनकाउंटर करने में मैं जरा भी देर नहीं लगा था। मुझे मालूम है सर। शाबाश, अब जल्दी से ये भी बता दें कि वो अंसारी कहाँ मिलेगा। हम दोनों को तो पहले ही पता था कि हिना गेम खेल कर ही वापस आएगी। जो शख्स किसी लड़की से अपनी बीवी की बुराइयां करने लग जाए ना, समझ जाओ उसे आराम से काटा जा सकता है। भड़ा आया था अपना बंगला दिखा। हाँ, और तुमने तो पहले से सोच रखा था कि बकरे को बंगला कौन सा दिखाना है। जब तुम्हें सब पता ही है तो पूछने की जरूरत क्या है। अरे मरियम कहाँ रह गई थी, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जरा इस नक्शे को गौर करना, बताना कहाँ का है। ये तो किसी कच्ची बस्ती का नक्शा है जिसके बीच में जंगल भी है। ये क्या लिखा है, B2 सबको कवर करेगा और B5 पटाखा फोड़ेगा, धुएं का फायदा। शहर में कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? यार ये आज एक औरत का मैंने पर्स मारा था, उसमें से कागजात निकले। फिर वो कहाँ चली गई? वो तो चिंची रक्षा में बैठ के कहीं चली गई। लोकेशन क्या थी? सौराब गोड़ से आगे। सबसे पहले हमें इस पे काम करना पड़ेगा। हेलो नील, मैं हिना बात कर रही हूँ। यार तुझसे काम पड़ गया था, उस शराब गुट के कोने पर चिंची रिक्शे खड़े होते हैं, ये तो पता करके बता कि वो कहाँ जाते हैं।
देख पंसारी, ये बात तो कन्फर्म है कि तू चोरी का माल खरीद के आगे बेचता है। अब तेरी मर्जी, चाहे तो इकरार कर ले या फिर इस हकीकत से इनकार। लेकिन यकीन रखना कि इनकार की सूरत में तू अपने पैरों पर चल के यहां से जा नहीं सके। सब बताओ भाई, कब खरीदा, किससे खरीदा, कहां बेचा, कहां से लिया, सब बता। शाबाश, बहुत समझदार आदमी लगता है पंसारी, कि अपनी छोटी सी जबान से इतने बड़े वजूद को टूटने से बचा लिया। जमशेद, यस सर, टीम तैयार करो। तो क्या बेला वहां पहुंची नहीं? बेला तो वहां पहुंची, मगर सुप्रीम कमांडर की हिदायत वाला नक्शा नहीं मिला। क्यों क्यों नहीं मिला? क्योंकि रास्ते में किसी ने बेला का पर्स मार लिया और उसी पर्स में सुप्रीम कमांडर की हिदायत वाला नक्शा भी था। उफ मेरे अल्लाह, ये तो बहुत बुरा हुआ। एक तो हमारे पास अब टाइम भी नहीं बचा कि कुछ किया जा सके, और आज रात अगर ये टारगेट हिट नहीं हुआ तो शायद हमें मौका ना मिले फिर कभी। और हमारे दावे के हम घर में घुस कर मारेंगे, शायद पूरे ना हो सके। ऐसा नहीं होगा, यही तो बेला की खूबी है कि जो चीज एक बार उसकी नजरों के सामने से गुजर जाए वो उसे अपने दिमाग में बिठा लेती है। बस तुम जाओ जल्दी से और तैयारी पकड़ो। ठीक है, मैं जाता हूँ। तू अंदर कैसे आया? जैसे तुम तीनों आती हो, चाबी ली, दरवाजा खोला और अंदर आ गया। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हम चोरों के घर में डकैती डालेगा? ये इतनी आसानी से आने वाला कहाँ था। मैं ऐसा ही जमशेद इसे यहाँ लेकर आया हूँ ताकि ये सब कुछ मुझे सच सच बता सके। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, हम तो लोकल से चोर हैं, मगर आप चाहें तो हमें गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन जो चोर हमारे मुल्क में आग घुसे हैं, अगर आज इन्हें गिरफ्तार ना किया तो हर जगह आग ही आग होगी। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप इस पे नजर डाल लें, आपको सब कुछ खुद समझ आ जाएगा। तो वह यह नक्शा कहाँ से मिला? सब कुछ मुझे तफसील से बताओ। तीनों की उम्र भर की बुराई पे तुम्हारी ये नेकी गालिब आ गई। हमारे ही घर में घुसकर हमें ही मारने का ये ख्वाब, ख्वाब में तो तुम्हें हीरो बना सकता है लेकिन हकीकत यही है जो तुम देख रहे हो। हमारी ताकत से ना टकराना, वरना कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तुम्हारी औरतें मातम करती और बाल नोचती नजर आएंगी। देख मुझे, अगर मैं चाहूं तो तुम कुत्तों को खून में नहला सकता हूं, मगर मैं तुम्हारा गंदा खून अपनी पाक सर जमीन पे गिरता हुआ नहीं देख सकता। ले चलो इनको। डॉक्टर साहब, हम भले चोर हैं, डाकू हैं, लेकिन
मुल्क पर मर मिटने का जोश हम में भी किसी से कम नहीं है। इसीलिए तुम तीनों यहाँ सही सलामत बैठी हो, वरना जेल में चक्की पीस रही होती। हाँ